नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। नरगिस फाखरी ने अपने बारे में एक दिलचस्प बात बताई है। नरगिस ने कहा कि वह जब इंडिया आई तो उन्हें कुछ अजीब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नरगिस कब्रिस्तान के बगल में एक अपार्टमेंट में रहती थी। उन्हें वहाँ सुपर नेचुरल चीज़ें फील होती थी। नरगिस डरावने सपने देखा करती थी। नरगिस के मुताबिक एक बार उन्होंने सपना देखा कि एक 6 फुट 5 इंच लंबा आदमी उन्हें कब्रिस्तान तक ले गया। उसने हाथ से आसपास की ज़मीन खोदी और मरे हुए लोगों की लाश निकालकर उनका मांस खाने लगा। वो नरगिस को भी मांस खाने को कहता था। नरगिस इतनी डर गई कि उन्हें 3 दिन बाद ही वो अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा। नरगिस ने उन दिनों का किस्सा शेयर किया जब वो इंडिया नई नई आई थी। उन्होंने कहा, मैंने मुंबई में एक अपार्टमेंट लिया। ये अपार्टमेंट हिल रोड पर एक कब्रिस्तान के पास था। इस अपार्टमेंट में बस 3 दिन रह सकी थी। नरगिस ने आगे कहा, मुझे डरावने सपने आते थे। हर रात 3 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। मुझे सपने में हर रोज़ एक पीले सफ़ेद रंग का खूंखार आदमी दिखता था। सपने में ही वो भूत जैसा दिखने वाला शख्स मुझे कब्रिस्तान तक ले जाता था। वो भूत जैसा दिखने वाला शख्स मरे हुए लोगों को निकालकर उनका मांस खाता था। मुझे सपने लगातार आते थे। नरगिस परेशान हो गई थी। उन्होंने अपनी टीम से उन्हें दिल्ली शिफ्ट करने को कहा। जब लोग उनके सामान की पैकिंग करने आए तो उन्हें भी एक अजीब चीज़ दिखी। वहाँ पास की अलमारी में 6 मरे हुए पक्षी मिले। नरगिस के मुताबिक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ ये अजीब चीज़ें क्यों हो रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।